हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? है ना, सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पे देखिए, दो बच्चे हमारे घर के बीमार हो गए हैं और ये डॉक्टर आए हैं, अभी अभी चेकअप हो रहा है। आने साइड हटो, डॉक्टर आए हैं पर्सनल। अरे आप पिता से बड़ा कोई डॉक्टर होता है क्या बच्चे का? मैं तो इस लिहाज से कह रही हूँ कि ये कहीं गए हुए थे अभी, तो आए हैं, तो अभी कार्तिक अपनी जो है हेल्थ इशू पापा के साथ जो है शेयर कर रहा है। बहुत रोया है आज वो, पेट दर्द से पता नहीं क्या हो गया था इसे। ग्लूकॉन डी दिया मैंने, डाइजिन दिया मैंने, अजवाइन नमक दिया, और नाश्ते में भी ऐसा कुछ नहीं बनाया, दलिया बनाया, क्योंकि प्रथम को भी बहुत तेज़ बुखार था। पता नहीं इन दोनों को एक साथ ही क्यों बुखार हो गया, पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों बच्चे एकदम सुस्त, और ये जो दो बड़े हैं ये बेचारे इधर से उधर कर रहे हैं, कभी कार्तिक की सेवा कर रहे हैं, कभी प्रथम की सेवा कर रहे हैं, और थक के कोई और आए हैं, और सबसे बड़े ग्लास में शिकंजी यहाँ पी जा रही है। ये लोग आए हैं थक के। हेलो बोल दीजिए। हेलो एवरीवन, कहाँ थे आप लोग? लेके गया था हॉस्पिटल, और मैं क्या ही बताऊँ, मम्मी को जो भी ट्रीटमेंट चल रही है उसी के लिए गए थे। हाँ, उसके लिए गया था, और काम हो गया, जिस काम बहुत अच्छे से हो गया, साथ में दीदी और मुन्नू भी चले गए थे, सबका काम हो गया। तो सभी यहाँ आए हुए हैं, अभी मैं आप सभी को मिलवाती हूँ सभी से, है ना। वो कूलर चल रहा है और मम्मी वाले रूम में सभी रेस्ट कर रहे हैं। मैंने सुबह से सारा काम वाम इधर उधर हम दोनों ने करके, और जो है हम लोग वेट कर रहे थे, हमने खाना नहीं खाया ना छोटी ना मैंने, हमने वेट किया कि सब आ जाएंगे तो सब इकट्ठे खाना खाएंगे, पर ये लोग तो फुल होके आए हैं। दीदी ने कहा कि वो घर से खूब सारा खाना पैक करके ले गई थी। मुझे शिकंजी दे रहे हो? अभी पीती हूँ थोड़ी देर में, है ना, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है तो पहले खा लेती हूँ। तो क्या हुआ है आपके बेटे को? यहाँ से फिर आपकी छोटी इंटेस्टाइन जा रही है, और फिर बड़ी इंटेस्टाइन जा रही है। यहाँ जो होता है ना, वहाँ का स्टमक होता है, थोड़ा अगड़म अगड़म खाते हो ना जल्दी जल्दी बढ़ता बढ़ते, तो क्या होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से। बहुत रोया है आज, पे पानी बॉटल, गर्म पानी की बॉटल गैस है बहुत ज़्यादा, और एक बार भी कोई ना इसको बब्स हुआ है ना इसको गैस, साथ में ये कुछ भी नहीं हुआ है। और रोटी कैसी हो रही है आपको? नॉर्मल नॉर्मल हो रही। चलो बाप बेटे को बात करने देते हैं, मिलाती हूँ आप सभी को। यहाँ हमारी छोटी दीदी को देखिए आप, बिना पंखा चलाए सो रही थी और उठी हैं तो बिल्कुल कूलर के आगे चली गई है। तो ये सारे आए हैं थक के, थक के आ गए हैं ये सभी। सभी गए थे हॉस्पिटल, अपनी वीडियोस देख रहे हैं। हाँ, बड़े टीवी स्क्रीन पे, बड़े टीवी स्क्रीन पे। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरी भाभी है ही इतनी अच्छी, मिलने का मन करता है भैया। एक टाइम ऐसा था कि दो दिन नहीं जाती थी तो दीदी आप क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, सही बात, जब हम पास ही थे, जब बिल्कुल बगल बगल में थे, क्यों नहीं आई, तो ये आ जाती थी। हाँ, आना जाना ऐसे ही रहता था। साक्षी ने जैसा कि कहा वीडियो में कि दो घर छोड़ के हम इस घर उस घर, हमें पता ही नहीं चलता था कि कौन कहाँ रहता था। दो दिन नहीं हो, हम लोग एक हफ्ते कहीं घूमने नहीं चले जाए साथ में, साथ में जब तक। हाँ, जितना मैं घूमी हूँ मैं ले जाती दीदी के चलते, मैं इतना घूमी हूँ स्टार्टिंग में, न्यू में जल्दी से निकलना नहीं होता है, पापा नाराज हो जाते थे। सबके यहाँ मैं घूमी हुई हूँ, शादी हो, ब्याह हो, मुंडन हो, सब में मैं गई हूँ, अलानो फलानो ढिकानो। सीधे एक फोन आता था मेरे पास, कौन जाएगा, मैं और कन्या, मधु की भाभी, भाभी, हम बच्चों को, चारों बच्चे इकट्ठे रहते थे अपना घर पे। हाँ। और ये दोनों भी बच्चे थे छोटे छोटे, बहुत शरीफ शांत, मम्मी छोड़ के चली जाती थी चले जाओ, है ना। और केशव को संभालने में इन लोगों का बहुत मन लगता था, केशव को बहुत प्यार करते थे। मेरी कौन सी फ्रेंड जिनसे ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो नहीं अच्छे से जानते, निकनेम था सोनी, हाँ सभी सोनी ही जानते हैं, अनीता कोई नहीं जानता है, एक आधा ही जने हैं जो मेरे को अनीता के नाम से जानते हैं, नहीं तो सोनी सोनी को नहीं लाए। तो मैं जितना घूमी फिरी हूँ ना स्टार्टिंग में, तो पापा नाराज़ हो जाते थे, और दीदी का ये रहता था, एक फ़ोन आता था, कन्या 5 बजे तैयार रहना, दीदी कहाँ चलना, बस तुम तैयार रहना। पापा जो गुस्सा करते की कोई चल गई ना मम्मी, भूल करना जरूरी जरूरी छे कन्या, हाँ अपने किया नहीं जाए छे, लोग चले जाए छे, सब अपने गाँव गाँव में नहीं ले जाती थी मैं किसी भी। हाँ भैया, कोई
दूसरे घर से लड़की आई है, कैसे शादी ब्याह में भी मैं कभी ऐसे अपने गांव के किसी भी मैरिज वगैरह में कहीं नहीं गई कभी भी। वही तो उसको नहीं घूम, ये तो खुद ही घूम ले, ये तो दोनों में अभी भी खुद ही घुमक्कड़ है। शादी हुई नवंबर में और फैब से जॉब, अब मेरा तो पोपट कर दिया आज आप दोनों, मेरा तो पोपट हो गया भाई लोगों। मैंने खाना बनाया और काम वाम करके मैं बैठी हुई हूँ, आधे घंटे हो गए मुझे फ्री बैठे हुए। नहीं नहीं खा लेंगे तो मैंने कहा कि सब थके हुए आएंगे, फटाफट पानी का ग्लास अरेंज किया, ठंडा ठंडा पानी पिलाया, मैंने कहा खाना लगाएंगे। मैंने सुबह कटहल की सब्जी सूखी और हमने कैंटीन में भी खा लिया, इसने कैंटीन में खाया और एक पेटी में बोतक है। और मैं यहाँ इतना अच्छा बना के ले गई थी, वहाँ ना चबूतरा बना हुआ है इतना सुंदर सा, आज अच्छे से जगह मिल गई बैठने के लिए, पैटीज खाए बहुत अच्छे से बैठी है, सारे तो पेटी में जाते हैं, एक लीटर पानी तो इस वजह से। तो कोई बात नहीं, मैं अब खा लेती हूँ और ये लोग दो घंटे के रेस्ट के बाद खाएंगे। मैंने सोचा था गरम गरम चावल खिलाऊंगी, अब ठंडे चावल खाएंगे, दाल गरम कर देंगे। क्यों एनी, ये सुबह से लड़की हमारी इधर से उधर भटक रही है क्योंकि दो बच्चे बीमार हो गए हैं, तो दो हो गए हैं अकेले। छोटी खोलो, अच्छी सी कंघी करके आ जाओ। ये मैडम खुद से कंघी नहीं करती है, छोटी मामी कंघी कर दो, बड़ी मामी कंघी कर दो, मम्मी कंघी कर दो, खुद से रबड़ भी नहीं लगाती है ढंग से मैडम। बड़ी मामी छोटी मामी नहीं बोलेगी, इसकी एक बात बताती हूँ, सीधे हम दोनों बैठे रहेंगे किचन में होंगे, मामी तो हम दोनों देखेंगे तो हंसने लगेगी, मैं वो वाली को बुला रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसको बोला कि आप बड़ी मामी छोटी, तो नहीं मामी मुझे आपको बड़ी मामी नहीं बोलना, सिर्फ मामी बोलना है। तो मैंने कहा उनको छोटी मामी बोलो, नहीं मुझे छोटी बड़ी बोलना ही नहीं है। कन्या अपने घर पे तो बहुत कन्या चाची और कन्या चाची लाल चाची, मामी में दिक्कत है, मामी में दिक्कत है। अच्छा बहुत अच्छी पहेली पूछी थी आज मैडम ने, इन दोनों का नाम बताओ अपना, वो उनको तो आप सभी जानते हो है ना, और इसका क्या नाम है एनी का, अच्छा स्कूल का नेम बताओ, साक्षी। ये भी साक्षी जाएं, ये भी साक्षी जाएं, दोनों बहनें से नाम इसने चुरा लिया, चुरा लिया, चोर चोर, इसके पापा ने साक्षी नाम रखा, आन्या नहीं रखवाया, पता नहीं क्यों, और हम सब ने बड़ी प्यार से आन्या रखा था, है ना दीदी को, इनके घर में सबको, और इनके पापा छुपा रुस्तम हरिद्वार घूम रहे हैं, आज फोटो भेज रहे हैं अपनी वाइफ को। हाँ हाँ पहले ही घूमा है। तो दीदी क्या कह रही है, मैं बिना बताए गई थी ना तो बदला लेने के लिए, मुझे भी बिना बताए चली गई। कह रही दीदी मेरा दिल यहाँ से भारी भारी हो रहा है, मुझे बिना बताए आनी के घर में साक्षी सबको इतनी अच्छी लगती है कि इसका तो ये हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा गाइस, मैं खाना खा लेती हूँ। ये देखो मैंने बता दिया, मैंने सबको बता दिया, क्या बताती, झाजी चले गए अकेले हरिद्वार, मैंने सबको बता दिया, जाने दो कोई बात नहीं। प्रथम कैसी तबीयत है, झाजी जाए अपनी मर्जी से जाए कोई मतलब नहीं है। कौन है, कहाँ, क्या हो गया, कर रहे हैं, इधर अच्छा आ दीदी आते हैं अभी अपने सिस्टम पे बैठे। हाँ फोटो भेजी है उन्होंने दीदी को, सेल्फी अपनी हरिद्वार की, बढ़िया किया वो, उनका तो ऐसी अचानक ही प्लान बनता है, अकेले उन्हें दुनिया घूमनी होती है तो घूम लेते हैं, घूमे इसीलिए तो मैं अपनी बहन को ले गया। हाँ अच्छे सालों में हरिद्वार तक नहीं ले जा पाए, इसीलिए हम ले गए दीदी को। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। यहाँ देखिए मौसी के साथ बच्चों का प्यार, मौसी और बच्चों का प्यार, मासी यहाँ पे बच्चों को पटा रही है कि बच्चे उनके साथ घर जाएंगे हैं। तो इसको तो मम्मी की याद आती है, प्रथम तो बिल्कुल भी नहीं, कार्तिक की तरह, प्रथम और कार्तिक एक ही सेम कैटेगरी में आते हैं। क्यों के बारे में, एनी जाने, हाँ चलो तो यहाँ पे शाम की गपशप हो रही है, चाय पानी हो रहा है। हाँ ये और कार्तिक दोनों के बारे में यहाँ चल रही है शाम की गपशप, चाय पानी सब हो चुका है, मम्मी फिर से रेस्ट कर रही है और हम कर रहे हैं किसी बहुत अच्छी चीज का इंतजार है ना। आने प्रथम की मम्मी है, गई हुई है कुछ लाने के लिए, तो उसी का वेट कर रहे हैं सभी बैठ के, शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है एक्चुअली, रात होने वाली है। प्रथम नहीं खाएगा, प्रथम नहीं खाएंगे, हड्डी राजा चूहा सिंह नहीं खाएगा, कोई बात नहीं, कार्तिक भी नहीं, कार्तिक भी नहीं खाएगा,
कार्तिक को तो पेट में ऐसी दिक्कत होगी, उसको तो सब कुछ मना हो गया है। कहता है कि मुझे कोई भी वाइट चीज नहीं कोई पूछेगा, मिल्क प्रोडक्ट कुछ नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, तो ब्रेड और दूध दे के गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा। ब्रेड अभी कल आई थी, अब बहुत कम आती है, बीच में ना बहुत ब्रेड आने लगी तुम्हारे घर में। कभी कभी सैंडविच वगैरह बनाने के लिए नीचे से शोर आ रहा होगा, आप सभी को सुनाई दे रहा होगा, हमारी सोसाइटी के बच्चे खेल रहे हैं। अपनी बुआ के साथ गया है। अच्छा, बुआ के साथ गया। मैंने कहा थोड़ा चलना भी हो जाएगा। नहीं बताएंगे, जब आएंगे तब दिखाएंगे। ये है वो स्पेशल चीज जो दीदी लेने गई थी, आइसक्रीम। जब तक आया तब तक ये मेल्ट हो चुकी थी, पर आप खा सकते। नहीं ठीक है बेटा, खा लो फटाफट। ये बेटा आपको मुंह नहीं देखना है, आपको भी मिलेगा। नहीं सबके लिए एक जैसी नहीं आए हो, जल्दी जल्दी बांटो, जल्दी जल्दी। ये पसंद किया, जल्दी जल्दी दे दो प्रथम बोरा, जल्दी जल्दी। सब 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 ऐसे खड़े होके देख रहे हैं, सबका सबका मुंह देखिए, सब सब एकदम इंतजार में, वहाँ भी वहाँ से भी इंतजार हो रहा है। कार्तिक जल्दी जल्दी दे दो, मेल्ट हो जाएगी। तो ये फैमिली का ये सब कुछ सुबह दोपहर शाम चलता ही रहेगा। आइसक्रीम खाते हैं सभी, आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। छोटी सी व्लॉगिंग सुबह दोपहर से लेकर शाम तक के, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए। और मैंने सभी को बोलने का भरपूर मौका दिया है गाइस, तो जो आप कमेंट में कहते हैं मैं वो ज़रूर फॉलो करती हूँ, तो मैं आगे भी फॉलो करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।